सिर उड़ारिया की बात करें तो शो में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से नेहमत और एकम एक बार फिर से तहकीकात कर रहे हैं कि तेजो फतेह के साथ क्या हुआ था, उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था और उनकी फाइल में आखिर क्या लिखा गया था। ये जानने के लिए एकम पुलिस थाने पहुंचता है जहां उसका दोस्त ही होता है और आपको बता दें कि दोस्त से कहता है कि मुझे वो फाइल एक बार देखने दो। अब यहाँ पर जो हवलदार होता है ये सुन रहा है कि भाई 16 साल पहले तेजो फतेह का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका फाइल निकालने एकम आया है और ये बात वो उस व्यक्ति को बता देगा जिसने 16 साल पहले ये कांड किया था, यानी कि उस बदमाश को जिसने गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया था। अब आपको बताते चले कि यहाँ पर एकम के पापा को बुलाया जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि आपके बेटे को मार दिया जाएगा, आपका बेटा उस लड़की की वजह से एक बार फिर से तेजो फतेह के केस को ओपन करने की बात कर रहा है, तहकीकात कर रहा है। इन दोनों को दूर करो, आप इन दोनों को दूर करो तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा, हम उसे जान से मार देंगे। अब आपको बताते चले कि एकम के पापा जो है नेहमत और एकम के प्यार के दुश्मन बनेंगे, इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एकम और नेहमत को अलग करना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से तेजो फतेह का प्यार था उसी तरीके से एकम और नेहमत जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा आगे, क्या अब एकम के पापा इतना ज़्यादा दबाव डाल देंगे एकम के ऊपर कि उसे ये फैसला लेना पड़ेगा। वल जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ ये बात दिलचस्प है, गौर करने वाली है कि कहीं ना कहीं एकम की माँ नाज को पसंद करती है और इधर एकम के पापा भी अब नेहमत के खिलाफ हो जाएंगे। वेल कहीं ना कहीं कहानी जो है आगे की समझ में आ रही है। आपका क्या कहना है आप ये हमें ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।